बड़ी शर्म की बात है कि उनको एनिमल बोलना पड़ता है, शायद मनुष्य से ज्यादा भावनाएं उनमें है। अभी यहाँ पे 165 एनिमल्स है, तो लोग आते हैं, देखते हैं, और जिनको सच में ये अच्छा लगता है वो मदद भी करते हैं, किसी भी हद तक वो जाते हैं, किसी भी हद तक। और वो अगेंस्ट में जब जाते हैं तो उनसे फाइट करना पड़ता है। फ्रीडम ऐप पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है आदित्य, आपका होस्ट, और आज हम आए हुए हैं नासिक के मंगल रूप गौशाला में, जो कि एक एनजीओ है जो बहुत सारे बेजुबान जानवरों का ख्याल रखते हैं, जिन्हें चला रही हैं रूपाली जोशी मैम, जिनसे हम अभी आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, रीजंस हैं, जिनकी वजह से चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, भैंस हो, कोई चल नहीं सकते, किन्हीं को बहुत ज़ोर से इंजरी हुई है, कोई देख नहीं सकते, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, ऐसे कई सारे कंडीशंस हैं जिनके बावजूद और वजह से मैम ने इनको अडॉप्ट किया है। उन्हें सिर्फ खिलाते पिलाते ही नहीं, जब तक कि वो पूरी तरह से जीवित रहते हैं, उन्हें स्वस्थ रखते हैं और उनका इस शेड में देखभाल करके ध्यान रखते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। रूपाली मैम, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। मैम, हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा एनजीओ है, ये संस्था है, ये आपने कब शुरू की, किस कारण शुरू की, और आज जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ इतने सारे जानवर हैं, आप इन सबका ख्याल कैसे रख पाते हैं? जय श्री राम, जय गौ माता। आप सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये एक दुर्लक्षित एक कामकाज है जहाँ आपका ध्यान गया और हमें लाइट में लाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यहाँ पे मुझे 25 साल तो हो गए ये कार्य में जुड़े हुए। कुछ रीज़न था कि मैं जहाँ अभी भी एक संस्था और चलाती हूँ, जहाँ मैं पूरा व्यवस्थापन करती हूँ वहाँ का, वहाँ कुछ कारण में ये इंजर्ड जानवर जो है एनिमल्स, वो खुद उठा के वहाँ तक नहीं ले जा सकती थी। तो मैंने ऐसा किया कि कुछ नासिक के जैसे पुरुषोत्तम भैया है, उनका पहले बहुत देखा गया कि काम किस टाइप से करते हैं, कैसे करते हैं, तो उनका बहुत अच्छा सा रिस्पांस मिला। फिर मैंने एक टीम जमा की जिसके हेड पुरुषोत्तम भैया है, और उनके अंडर ये गौशाला स्थापन करने का 12 साल पहले निर्णय लिया। अच्छा, हाँ, और ये 12 साल से संस्था रजिस्टर की है और तब से ये कार्य शुरू है। पहले पुरुषोत्तम भैया के घर के आंगन में जो 300 वार का ही प्लॉट था, वहाँ पे 40 एनिमल्स रखे जाते थे, लेकिन आजू बाजू के जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ के लोगों को थोड़ा तकलीफ होने लगा। फिर कोरोना पीरियड आ गया, वो तब उसमें हम रामशिज्या नासिक के करीबी है, वो 20 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन रास्ता ख़राब था, दूर था, तो विजिटर वहाँ पहुँच नहीं सकते थे। फिर हमने बहुत जगह ढूंढी और 2 साल से इस जगह का चॉइस किया जो मुंबई आगरा रोड हाईवे पे टच है, तो अभी ये जगह हमने रेंट से लिया है। और जहाँ नासिक डिस्ट्रिक्ट से हमें कॉल आता है कि लार्ज साइज एनिमल कोई भी हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, घोड़ा हो, या अदर कोई लार्ज साइज एनिमल हो जी, वहाँ पे हम पहुँचते हैं, उसको उठा के खुद लेके आते हैं यहाँ तक और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उस पे ऑपरेशन करने का वक्त भी आया तो भी करते हैं। और उनको ये जो मशीन दिख रही है आपको, वो फिजियो मशीन है, जैसे ह्यूमन की रहती है वैसे ही एनिमल्स की है। अच्छा। हम उस पर उनको रोज ट्रेनिंग देते हैं, उनकी फिजियो की जाती है और उनको स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। अभी कॉल्स में तो जो बेवारस है, जिनका कोई मालिक नहीं है, ऐसे भी बीमार एनिमल्स रहते हैं जो रोड पे किसी किनारे बीच रोड पे भी पड़े रहते हैं, लोग हमको बुलाते हैं, हम जाते हैं उनको कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं। कोई मालिक होते हैं लेकिन उनका एनिमल का कुछ एक्सीडेंट, जैसे कल एक घुटी से हम ये बुलक लाए हैं जिसका एक्सीडेंट एक बड़े ट्रेलर से हो गया था, ये बैलगाड़ी से जा रहे थे घर पे और ट्रेलर ने उसको खींच के 500 मीटर तक खींच के लेके गया। अब उसके 2 रीढ़ की हड्डियाँ टूट गई है, पाँव में फ्रैक्चर्स है और उसके दोनों तरफ से पूरी स्किन घिसड़ गई है, अभी उस पर ट्रीटमेंट चालू है। ऐसे केसेस आते हैं जहाँ हम उनको वेदना रहित और
पेन रिलीफ उनका जीवन करने की कोशिश करते हैं और उनका अंत तक पालन पोषण का जिम्मेदारी भी लेते हैं। मैम, आपके ऑफिस में जब आए थे, जब आपसे मिलने आए थे, हमने काफी सारे अवार्ड्स देखे थे जिनके बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कई बार मुश्किल हो जाता होगा इतने बड़े जानवरों को उठा करके लाना, तो आप कह रही थी आपके पास एक हाइड्रोलिक एम्बुलेंस भी है जो शायद भारत देश में सबसे पहली है, जो आपके पास है? महाराष्ट्र की पहली है। भारत देश में तो बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत ऐसे महाराज लोग भी हैं जो धार्मिकता से प्रवचन वगैरह करते हैं, और उनकी गौशालाएं भी है जहाँ पे उनके खुद के संस्था के हॉस्पिटल है, वेटरनरी हॉस्पिटल है और एम्बुलेंस भी है। अपने यहाँ क्या होता था कि नासिक में हमें पहले कॉल आता था तो एक गौ माता तो सेंसिटिव थोड़ा सब्जेक्ट है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है और खून से लथपथ गाय रास्ते पे पड़ी होती है तो उनको कोई टेम्पो वाला इंस्टेंट उठाने के लिए मदद नहीं करता था। उसको कहीं डर था कि लोग हम पे ही अटैक कर देंगे या कुछ हो जाएगा, तो उसको मनाने में ज़्यादा पैसे का लालच देके भी वो टाइम बहुत वेस्ट होता था उसमें। तो हमने सोचा कि अपना टाइम जाता है वो बात अलग है, लेकिन गाय को या जो भी एनिमल है उसको ट्रीटमेंट मिलने में टाइम लग जाता है, डिले होता है, तो उसकी जान को भी धोखा होता है। तो क्यों ना हम अपनी संस्था की एक खुद की एम्बुलेंस ऐसे बनाए जो मैन पावर कम होते हुए भी किसी भी 24 आवर्स में हमें कॉल आ गया तो भी हम कम लोग भी उसको उठा के लेके जाए और उसको वक्त पे ट्रीटमेंट मिले जी। ये कोशिश अपनी थी, इसलिए हमने समाज के जो भी दानशूर दाता है उनके सामने ये बात रखी और हमें 15 लाख की एम्बुलेंस तैयार करने में 3 साल लगे और बहुत नासिक के बाहर भी बहुत घूमे और डोनेशन इकट्ठा किया और अभी पिछले साल ये हाइड्रोलिक एम्बुलेंस अपनी बन गई जो 2 लोग होते हुए भी बड़ा सा बड़ा एनिमल हम उठा के ट्रीटमेंट के लिए लेके जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात कहने वाली चीज़ है ये कि, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं इससे शायद ही नेक कोई काम होगा, जहाँ बेजुबान जानवरों का आप इतना ख्याल रख रहे हैं, आप इनकी इतनी मदद कर रहे हैं। रूपाली जी, ये ज़रा बताइए, आपने कहा था शुरुआत आपने की थी 30 से 40 जानवरों के साथ, लेकिन आज ये जो आपका शेड है, ये NGO जो आप चला रही है, काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो आज की तारीख में कितने जानवर हैं इसे जिनका आप पूरी तरह से ख्याल रख पा रही हैं? अभी यहाँ पे 165 एनिमल्स है। 165 जानवर? जी जी, यहाँ पे सब डॉगीज वगैरह पकड़ के 165 एनिमल्स है। किसी का पैर नहीं है, किसी को आँख नहीं है, किसी का रीढ़ की हड्डी टूटी है जी। सब ऐसे इंजर्ड है जिसमें से 50% तो हमने रिपेयर कर दिए है, वो हेल्दी बन चुके हैं। जैसे अभी आपको दिखेगा कि 3 पैर वाली काउज है यहाँ पे जी। जिनको हमने ये फिजियो करके इनको इतना सक्षम बनाया है कि ये पिछला जो ये दिख रहा है पहाड़ वो चढ़ के जाती है और उनको अपने बच्चे जैसे मना के नीचे लेके आना पड़ता है। अच्छा। कि चल बेटा खाने का टाइम हो गया, चल बेटा पानी पीने का टाइम हो गया। जब उनको ऐसे सहला के नहीं लाते तब तक वो आते नहीं, उनको आदत हो गई है। हाँ, अपने बच्चे जैसा लाना पड़ता है। अच्छा। ऐसे एनिमल्स अपने पास है, ये बड़ी शर्म की बात है कि उनको एनिमल बोलना पड़ता है। वो सब भावना उनमें जीवित है जो एक मनुष्य में होती है, शायद मनुष्य से ज्यादा भावनाएं उनमें है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तभी शायद इन्हें बेजुबान कहा जाता है, फीलिंग्स तो इनकी भी वही है जी। और आप जिस तरह से इनका ख्याल रख रही हैं वो तो नजर आ रहा है, दिख रहा है। आप बताइए, अगर एक बहुत सीरियस केस की आपके पास कोई एनिमल आता है, कोई मान लीजिए जैसे अभी आपने कहा था एक एक्सीडेंट में तकरीबन 500 मीटर एक बैल को घिसा गया था। हाँ। तो ऐसे केसेस में कितना समय लग जाता है उन्हें वापस ठीक होने के लिए? आपके शेड में आप मेडिकेशन देते हैं, आप उन्हें खाना पीना देते हैं, पालन पोषण सब करते हैं, तो तकरीबन कितना समय लग जाता होगा? देखिए, एनिमल्स के लिए तो सबसे बड़ी टच थेरेपी रहती है जी। उनको स्पर्श ज्ञान बहुत रहता है, वो आप कितने प्यार से उनको सहलाते हैं या उनको राग द्वेष मत्सर से खाने का है। हाँ। तू जीवित है तो खा। हाँ। किस भावना से आप उसको दे रहे हैं, ये भावना उनको समझ में आती है जी। हम जितना उनको प्यार से सहलाएंगे वो उतने ही जल्दी रिपेयर होते हैं।
सबसे बड़ी तो खाने पीने से और मेडिसिन से सबसे बड़ा मेडिसिन वो है कि उनको प्यार से सहलाओ। अच्छा। उनका खाने का ध्यान रखो, उनका फिजियो टाइम पे ले लो, तो 2 महीने में भी केस अच्छा हो जाता है या फिर ज्यादा भी टाइम लग सकता है। वाह, तो मतलब महाराष्ट्र में ये कहना कुछ गलत नहीं होगा, जैसे कि कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है यारों, तो इन पशुओं का खुदा आप हो जी। आप नहीं, उनको गौ माता बोली जाती है। हम भाग्य से कह सकते हैं कि ये कार्य के लिए उन्होंने हमें चुना। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब क्या ही कहें इस बात पर जो आपकी सोच है, जैसे आप ध्यान रख रही हैं इनका, जैसे आप ख्याल रख रही हैं। तो रूपाली मैम, आप तो इन सारी पशुओं की बहुत मदद करती हैं, जैसे आपने कहा था कि दवाइयाँ लगती हैं, देखभाल करनी पड़ती है, तो इतनी सारी 165 के आसपास पशु हैं आपके पास, तो इनकी दवाइयों में खर्चा भी तो बहुत होता होगा जी। तो ये NGO है, तो आप इसे कैसे चलाते हैं, आप सर्वाइव कैसे कर पाते हैं? देखिए, हम समाज में घूमते बहुत है जी, लोगों को कन्विंस करते हैं कि यहाँ तक आओ, हमारा काम देखो, और काम देखने के बाद आपको अगर लगा कि यहाँ सच में कार्य हो रहा है और अच्छा खासा कार्य हो रहा है, तो आपको जो भी इच्छा हो वो मदद कीजिए। अच्छा। तो लोग आते हैं, देखते हैं, और जिनको सच में ये अच्छा लगता है वो मदद भी करते हैं। वैसा ही अभी गौशाला का इनका मेडिसिन है, यहाँ का मेंटेनेंस है, या सबसे बड़ा तो इनका घास चारे का खर्चा है जी। वो रोज का जो इनका फूड है उसका खर्चा बहुत आता है। अभी ये सब मैनेज करना पड़ता है डोनेशन पे जी। जो लोग आते हैं उनको हम कन्विंस करते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, आप देखो और फिर मदद करो, तो वैसे लोग आते हैं यहाँ पे, हम उनके तरफ जाते हैं। फिर किसी का बर्थडे रहा, किसी की पुण्यतिथि रही, तो घर के लोगों को बोलते हैं कि ये तो देखिए अभी गौ माता धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरण, ये सब में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। धर्म से बोला जाए तो गौ को माता संबोधन किया है, जो किसी और को नहीं किया है। अभी भगवान को भी उसकी सहायता लेनी पड़ी थी, तो हम तो सामान्य मनुष्य है, हम उन्हें नहीं कुछ पालन पोषण कर रहे, वो हमें संभाल रही है, उन्होंने हमें जीने के लिए कुछ पर्पस दिया है। हम यही मानते हैं कि उन्होंने हमें पर्पस दिया है, उन्होंने हमें जीना सिखाया है। पंचद्रव्य जो गौ माता से पंच रसायन निकलते हैं, जिनको पूजा में भी बहुत बड़ा स्थान है, अपने धार्मिकता में भी, किसी भी पूजा, देखो मनुष्य का जन्म से लेके मृत्यु तक उसका गौमूत्र लगता है, पंचगव्य का बहुत बड़ा स्थान है। तो गाय तो पूजनीय है ही है, उसका वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज ने भी उसके जो गौमूत्र के पैटर्न है, या फिर गिर गाय का दूध है, उसके पेटेंट मंजूर किए हैं जी। तो एक नेचुरल उसमें एंटीबायोटिक है ही है, वो तो वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है गाय का जी। दूसरा देखा जाए पर्यावरण, तो ये यहाँ से वहाँ घूमती है, तो जो फूल फल के बीज रहते हैं वो उनके पैर में फंसते हैं, यहाँ से वहाँ वो बीजारोपण होता है और वो झाड़े वहाँ पे बढ़ती है, वो फल फूल वहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ से जैसे गोचर भूमि पहले कहा जाता था, जैसे गाय घूमती रहती थी और उसके पैर में जो भी बीज अटकते थे वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर अपने आप होते थे। अच्छा। वो भी बहुत फायदे का है। जैसे ऑर्गेनिक खेती जो अभी 24 में जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक चाहिए जी। तो सबसे बड़ा ऑर्गेनिक तो यही है, जो गोबर से खेती होती है वो 24 आवर्स ये जो गौ माता घूमती है, अनेक औषधि वनस्पति खाती है, उसका वो गोबर आता है जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। उसके लिए कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सब हेल्दी फूड के लिए एकदम तैयार, जो क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक खत से भी बहुत फायदेमंद है। अच्छा। आप 10 किलो खाएंगे तो उसका 1 किलो में ही रिजल्ट मिलता है। अच्छा। हाँ, ये इतना बड़ा फायदेकारक है। अच्छा। तो ये पर्यावरण, आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक सब में ही गौ माता का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है।
और आप जो ये चला रहे हैं अभी एक बहुत ही सक्षम तरीके से सक्सेसफुली चला रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं या आई थी जब आपने शुरुआत की, या मान लीजिए आज आप किसी जानवर को किसी पशु को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे पेपर वर्क हो सकता है या किसी का ऑपोजिशन, कुछ भी ऐसा आपको? जी जी होता है होता है। अभी आपने जैसा एक आपको पॉइंट यही बताया गया कि ये जो इंजर्ड बीमार या रस्ते पे एक्सीडेंट हुआ गोवंश या लार्ज साइज एनिमल यहाँ आता है, वैसा ही उसका एक दूसरी बाजू ये है कि जो कैटल हाउस में जाते हैं कसाई खाने में काटने के लिए, तो जब भी पता लगता है, हिंट मिलती है, तो पुलिस के माध्यम से पुलिस को लेके जाके वहाँ पे कार्रवाई होती है और वो अपने कस्टडी में लिए जाते हैं। जब ये कस्टडी में लाते हैं तो जो सामने वाली पार्टी होती है वो अपना जो भी एनिमल्स का जो भी मुद्देमाल है वो छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश करती है, किसी भी हद तक वो जाते हैं, किसी भी हद तक, और वो अगेंस्ट में जब जाते हैं तो उनसे फाइट करना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत आती है उस चीज़ में। यानी पॉलिटिशियंस प्रेशर आता है, सरकारी अधिकारियों का भी दबाव आता है, सबसे बड़े उनके पास बहुत पैसा रहता है जिसके तुलना में अपने पास कुछ भी नहीं है, एक अपना कर्म करना है उसके बलबूते पे हम आगे बढ़ रहे हैं, बाकी वो सब चारों तरफ से वो पावरफुल है जी। लेकिन फिर भी ये सभी दिक्कत है, दिक्कतों से कुछ भी नहीं, अपना कर्म पे विश्वास है और हमें ये मालूम है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसके तुलना में सामने वाला कितना भी लड़े हमसे हार तो उनकी ही होने वाली है, जीत आपकी होती है जी। और होनी भी चाहिए। हाँ। और मतलब आप सिर्फ इन पशुओं का ख्याल नहीं रखते हैं, आप वाकई में इनको रेस्क्यू भी करते हैं जी। मतलब ये और भी ज्यादा नेक काम हो जाता है, तो आप काफ़ी अच्छी तरह से ये पूरी की पूरी संस्था जो है एनजीओ चला पा रही हैं, और हम तो यही उम्मीद करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि जितना हो सके आप आगे बढ़े और जितने ज़्यादा पशुओं को आपकी ज़रूरत हो आप ऑलरेडी उनके लिए तो हैं ही, तो वो उनका ख्याल आप अच्छे से रखेंगे, ये तो आपने देख ही लिया है और हमारे आसपास भी देख सकते हैं कि ये शेड कितना ज़्यादा बड़ा है। तो मैम ये जो आपकी ज़मीन है, ये पूरा का पूरा शेड जो है, ये हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए कि तकरीबन कितना लैंड है ये सब मिला करके? ये एंट्रेंस से देखा जाए तो ये यहाँ तक 3 एकड़ की जगह है। अच्छा। और अभी तो ये रेंट से लिया हुआ है जी। जिसका 30,000 रुपये पर मंथ का किराया है। अच्छा। और जो लैंड के ओनर है उनको ये काम बहुत पसंद है और वो अपनी तरफ से बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाजू में ना कि 24 आवर्स ये एनिमल के लिए अस्पताल बना रहे हैं। अच्छा। ये अपना अगला प्रोजेक्ट है यहाँ पे कि ये जो इंजर्ड एनिमल्स आते हैं उनको जिस टाइम पे हम यहाँ पे लेके आते हैं उसी टाइम पे तुरंत इनको ट्रीटमेंट हो जाए, इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ पे अभी 24 आवर्स डॉक्टर भी रहेंगे। अच्छा। और इनको कभी भी यानी ज़रूरत पड़े तब उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो मतलब समय की वजह से किसी भी पशु की जान तो जान नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल सही। इसके लिए अभी मैं लोगों से ये भी अपील करूंगी कि इस कार्य में बहुत सहायता की जरूरत है। आप जो देख रहे हैं उस वो सब आपके जैसे सब सपोर्टर के सपोर्ट से चल रहा है, आगे जाके भी आप ऐसा ही सपोर्ट करें कि ये कार्य हमारा हमारी सांसें भी रुक गई तो भी हमारे बाद में भी चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम ये भी बताइए कि जो चारा है, इतने सारे जानवरों का चारा, आप क्या उनको खिलाती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि 165 पशुओं की हम बात कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये इसको कुट्टी मशीन बोला जाता है। अच्छा। यहाँ गन्ने की बांडी रोज लगती है, यहाँ पे 3 से 3.5 टन एक टाइम में लग जाती है। इनको पेट भर में जो अपना थाली का फूड रहता है वो गन्ने की बांडी या मक्का में रहता है, ये इनका थाली का फूड रहता है। और जो लहसुन घास या मेथी जैसे जुड़ी दिखती है ना वो उनका स्नैक्स है, जैसे इडली डोसा वगैरह रहता है उससे पेट थोड़े टाइम के लिए भरता है, बाद में फिर से भूख लगती है जिसमें प्रोटीन्स का कमी है। अच्छा। और ये गन्ने की ये जो देख रहे हैं आप ये इसके पीछे ये गन्ने की बांडी है, ये ऊस रहता है, ये गन्ना रहता है जी। इसकी कटिंग ये सामने जो मशीन है उसमें उसके बारीक बारीक पीसेस किए जाते हैं
और ये कुटी मशीन से उनको पीसेस करके खिलाया जाता है। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अपने खुद की जगह में जो किराए से लिया है अपना जगह जी, उसमें से एक एकड़ में ये इतना घास चारा हमने खुद ने लगवाया है। अच्छा। जो सपोर्ट के लिए है, बाकी तो रोज परचेस करना ही पड़ता है। अच्छा। तो इनका जैसे जब मन करे ये यहाँ पे भी आके ग्रेजिंग कर लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। रूपाली मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो जानकारी आपने हमारे साथ व्यूअर्स के साथ शेयर की ये बहुत ही बढ़िया थी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जो कोई भी है इनकी मदद करना चाहे प्लीज जरूर कीजिएगा, बहुत ही नेक कॉज है। इनफैक्ट इन्होंने नाम रखा है मंगल रूप गौशाला, लेकिन मेरी ओपिनियन में अगर आप मुझसे पूछे तो ये पुण्य रूप गौशाला से कम नहीं है, क्योंकि इससे पुण्य का काम ज्यादा और क्या हो सकता है कि बेजुबानों को उनका ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें स्वस्थ रखा जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है। तो अगर आपके कोई सवाल है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।